श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें निर्णय लिया गया कि निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्रित की जाएगी। यह बिंदुखता मंडल भाजपा अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मंदिर निर्माण के लिए धन का संग्रह किया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हो, सभी जनों की इसमें भागीदारी हो, इसको लेकर हम सब लोग बैठक कर रहे हैं। लगातार प्रत्येक घरों तक, गांव के प्रत्येक घर तक सभी वर्गों का, सभी लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हो, और इसके लिए हम योजना रचना बैठक कर रहे हैं। आज हमने योजना रचना बैठक करी है। हम कहते हैं हम बिंदु खत्ता के प्रत्येक घर घर तक जाएंगे, प्रत्येक घर से उसमें सहयोग राशि मिलेगी और वह सहयोग राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगेगी। हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब लोग तत्पर रहने वाले हैं और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय है। बरसों से अनेक लोगों ने इसमें संघर्ष किया और अपनी आहुति दी, सफलता प्रभु भगवान राम की कृपा हुई और आज सर्वसहमति से वहाँ पर मंदिर बन रहा है। हमारे इसी प्रकरण में आज हमारे मंडल बिंदुखत्ता में हमने यह कार्य योजना की एक सभा रखी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु मिश्रित थे। सभी को हमने जवाबदारियां निहित कर देंगे, प्रत्येक घर में हम पहुँचें और लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर अपना इसमें भागीदारी देने वाले हैं और जो भी सहयोग निधि होगी, एक भव्य मंदिर देश में जो बनने जा रहा है, इसमें सभी की अपनी एक आहुति होगी। मैं अपना सर्व जनता से आह्वान भी करना चाहूँगा कि इस भव्य हवन में अपनी आहुति जरूर दें।